ओम शांति। तो आपकी यात्रा का भी आखिरी दिन आ गया है, इस छोटी सी यात्रा का। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छा, शब्दों से आपके क्लियर। भाई साहब जो परिचय दे रहे थे, वो राइटर हैं और संपादक हैं एक मैगजीन के, कवि भी हैं, इसलिए शायरी सुना रहे थे। ये सभी हम लोगों के साथी बैचलर्स हैं, कुमार बाल ब्रह्मचारी। इन्होंने अपने जीवन को पवित्र, संपूर्ण पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा की हुई है। तो बहुत अच्छी यात्रा पर सभी यहाँ चल रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ ऐसी सिंपल सिंपल बातें रखता हूँ आज, जो आपको जीवन में काम आए, क्योंकि मनुष्य बहुत सब कुछ सुनता है तो बहुत कुछ भूल ही जाता है, नेचुरल है। मैं भी सुनूं तो बहुत सारा भूल जाएगा, कुछ इम्पोर्टेंट बातों की छाप रह जाती है दिमाग पर। तो ऐसी कम से कम तीन बात भी आप यहाँ से ले जाना अपने लिए, कुछ भी जो आपको प्रिय लगे, जिससे आपके जीवन की धारा बदल जाए, आपका चिंतन बदल जाए और आपके परिवारों का माहौल बदल जाए। ये लक्ष्य बना लें आप। यहाँ से जाकर आप वैसे तो नहीं रहेंगे जैसे आए थे, ये तो पक्की बात है। Am I right? Yes. किसी ने कहा कि किसी व्यक्ति को एक किताब पढ़ने को दे दो, पढ़ने से पहले जैसा वो था पढ़ने के बाद नहीं रहेगा। हर चीज़ एक चेंज लाती है जीवन में, और वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो चेंज करता चलता है अपने विचारों को। आज का टॉपिक भी संकल्प शक्ति है। मैं आप सबको इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, आपका मन इधर उधर कहीं भी ना जाए इस लक्ष्य से भी। कौन है हम सभी? थोड़ा कम उमंग से बोला गया, कौन है हम सभी? आत्मा में तीन शक्तियाँ हैं। बहुत अच्छा, अब मुझे खुशी हुई कि आपने कुछ जाना है। मन, बुद्धि और संस्कार। मैं किसी कंट्रोवर्सी में तो आपको नहीं ले जाना चाहता, पर इतना बताता हूँ, ये जो बुद्धि है ना, इसके बारे में कंफ्यूजन बहुत रहा। इसको भी लोगों ने बुद्धि माना, ब्रेन, ये भी बुद्धि है, नो डाउट। लेकिन बुद्धि आत्मा की एक शक्ति है और ये उसका साकार स्वरूप है, मस्तिष्क हमारा। तो हमें अपनी बुद्धि को डिविनाइज करना है। ध्यान देंगे इस शब्द पर आप। आज मैं पिछले 50 सालों से साक्षी होकर देखता आ रहा हूँ किस तरह हमारे देश में एजुकेशन बढ़ी है। आप भी सब जानते हैं, मैं देखता भी आया हूँ, क्योंकि मैं 51 साल से यहाँ हूँ। तो जब हम पढ़ते थे और आज की एजुकेशन, बहुत बड़ा अंतर हो गया। मेडिकल कॉलेज कहीं कहीं होते थे, आज तो जहाँ तहाँ हो गए हैं। एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, पर बुद्धि, बोलो उत्तर दो। एक तो मिल गया इतनी खराब तो नहीं हुई, खैर अच्छा, और उत्तर दो। बुद्धि थोड़ी सी और तरफ चली गई। मैं आपको बुद्धि को थोड़ा सा डिफाइन करूं। बुद्धि पावर ऑफ विजडम है, इसमें हम विजडम भरते हैं। पर हमारी जो एजुकेशन रही, जो है, वो हमारी बुद्धि को विजडम नहीं दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है। इन्फॉर्मेशन, इतिहास, कब किसने राज किया, कितना समय किया, उसकी शासन प्रणाली कैसी थी, क्या क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई, आक्रमण कैसे हुए, जीत पाई या हार गए, इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसे हम क्या सीखें, वो होता है विवेक। बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका लक्ष्य होता है, मैं एक डॉक्टर से मिल रहा था अभी 4-5 दिन पहले, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं,
उन्होंने 40 साल एलोपैथी प्रैक्टिस की, क्योंकि आयुर्वेद में एलोपैथी भी जुड़ती है। मैंने कहा आप भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो क्या? कि नहीं, अब मैं प्योरली आयुर्वेदिक कर रहा हूँ, क्योंकि कई जगह एलोपैथिक सिस्टम फेल हो रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, और हमारे आयुर्वेद में नई नई रिसर्च हो गई हैं, बहुत प्रभावशाली दवाइयाँ बना ली गई हैं। मैंने कहा जब पढ़ते थे, कहा तब तो इतना लक्ष्य होता था, पास होना है, रट लो, रट लो अच्छी तरह, पास हो जाएंगे। अब हमारा रिसर्च माइंड है, तो देखिए हमारी एजुकेशन भी यदि हमें सद्विवेक प्रदान करे तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ आपको सद्विवेक मिल रहा है, ये भी एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन है। यहाँ कहीं भक्ति आपने नहीं देखी, कहीं फूल नहीं चढ़वाए गए, कहीं नमन नहीं हुआ, ये एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन। इससे हमें विजडम मिल रही है, आप अपनी बुद्धि में सत्य सद विवेक भरने के लिए इस बुद्धि को कुछ मनोविकारों से खाली करेंगे। अगर बुद्धि में ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा वैर भाव तेरा मेरा उलझने चिंताएं परेशानियां हैं तो बुद्धि विजडम को बाहर फेंकती रहती है, क्योंकि उसमें गलत चीज भर ली गई। बुद्धि जैसे एक पात्र है, अब पात्र में कुछ पहले से ही भरा हो तो जगह ही नहीं है नई चीजों की। तो डिवाइन विजडम भरने के लिए, अब सद्विवेक से भी सुंदर शब्द है डिवाइन विजडम, दिव्य विवेक, ये इस ज्ञान से हम अपने अंदर भर रहे हैं। जितना ये डिवाइन विजडम हमारे अंदर भरेगी, हमारा जीवन सुख शांति खुशी प्रेम सच्चे सम्मान से भरपूर हो जाएगा। केवल शांति नहीं, सुख भी चाहिए, तो शक्तियाँ भी चाहिए, हमें प्रेम भी चाहिए, हमें आत्मसम्मान भी चाहिए, उन सब से भरपूर हो जाएगा जीवन। मैं मन की बात पर आ रहा हूँ। मनुष्य ने पिछले 50 सालों में बुद्धि के विकास पर तो ध्यान दिया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी नई नई खोज कर ली, और हम अपने देश में देखें तो 50 साल पहले क्या था, सड़कें भी टूटी हुई होती थी, ये जो आज हाईवे और कारें दिखाई देती हैं इनका कहीं नाम निशान नहीं था, हर चीज़ की कमी थी हमारे देश में। जब मैं 92 में पहली बार विदेश गया ऑस्ट्रेलिया साइड में, तो मैं वहाँ की चकाचौंध को देखकर उदासी हो गया था कि हमारा देश तो कितना गरीब है, जहाँ कोई पैदल चलता नहीं था। न्यूजीलैंड में मैं था तो मैंने जो मुझे ले जा रहा था कार में उससे पूछा, हंसी की बात, कि भाई तुम्हारे देश में लोग वॉकिंग नहीं करते क्या? कोई दिखता ही नहीं था कहीं घूमता हुआ, सब कारों में ही थे, बाजारों में कोई रिमझिम नहीं, दरवाजे बंद रहते हैं, भारत के बाजारों में तो रिमझिम रहती है, घर सबके लोग थे, थोड़ी सी पॉपुलेशन थी उन दिनों, 30 लाख थी न्यूजीलैंड की केवल, अब थोड़ी बड़ी होगी। तो वो सोचने लगा हमारे देश में वॉकिंग नहीं करते लोग, 1 किलोमीटर पर दिखाई दिया कोई वॉकिंग कर रहा है, देखो वो एक व्यक्ति वॉकिंग कर रहा है सड़क पे, पैदल चल रहा है। अभी हम 1 मिनट में उसके पास पहुंच गए, देखा वो भी एक सरदार जी थे, कह रहे ये भी भारत वाला ही है। तो विकास हुआ ना बहुत ज्यादा संसार में, हर तरह का विकास हुआ, ये विकास बढ़ता जाएगा, ये विकास भी जरूरी था, इसमें कुछ बुराई नहीं है, सब बाहरी रूप से सुखी हो गए, और ये विकास बढ़ते बढ़ते अब सतयुग की ओर ले जाएगा हमें। लेकिन मन की शक्तियों का पतन हुआ, बुद्धि से भी ज़्यादा पतन हुआ मन की शक्तियों का। मैं आपको बहुत गुह्य बात सुना देता हूँ जो आपको जाननी है। जैसे आजकल का सिंपल उदाहरण है, आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर लें, सवेरे 100% कर ली, अब यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे डाउन हो गए ना, अब शाम तक आप पहुँचे वो 10% रह गई है। यही हाल हुआ है आत्माओं का,
आत्मा की सारी शक्ति इन व्यर्थ के विचारों से नष्ट होती गई है, हमारी बैटरी डाउन होती गई है। आत्मा जब इस संसार में आई तो 100 डिग्री फुल थी, नीचे उतरती आई है। अब किसी की 5 डिग्री पर है, किसी की 7 पर 8 पर 10 पर, 10 से ज़्यादा किसी की नहीं है। इसलिए माइंड वाइज मेंटली पीपल आर वीक। आप देख सकते हैं बहुत थोड़े लोग मनोबल वाले दिखाई देंगे, अन्यथा परिस्थिति आई टेंशन में आ गए, जरा सी बात हुई परिवारों में चिंताओं ने घेर लिया, जरा सा कुछ देखा भयभीत हो गए हैं। मन वीक, वीक माइंड की निशानी है सेंसिटिव माइंड, जो जल्दी ही अपसेट हो जाए वो माइंड वीक माइंड है। पावरफुल माइंड है जो विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी स्टेबल रहे, स्ट्रांग रहे, बोल्ड रहे, विल पावर बढ़ी चढ़ी रहे, जो कभी घबराए नहीं। हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है, यही इम्पोर्टेंट बात है। तो हमारे अंदर जो वेस्ट थिंकिंग है उससे हमारी ये बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होती है, और उसमें भी अगर निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है तो और तेजी से ये परसेंटेज डाउन होती है। हमें ये ध्यान रखना है, जीवन को आनंद से भरने के लिए, जीवन को सफलताओं से भरने के लिए, बहुत ज़रूरी हैं सफलताएं जीवन में, जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है। पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने हैं हमें अपने माइंड में, केवल पॉजिटिव नहीं, केवल गुड थॉट्स नहीं। जब आप स्पिरिचुअल एजुकेशन लेंगे तो एक है हायर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस के थॉट, उससे भी आगे है सुपर कॉन्शियसनेस और महान थॉट, और फिर आते हैं पावरफुल थॉट्स। सो हमें अपने अंदर पावरफुल थॉट्स भी क्रिएट करने हैं तो बैटरी बढ़ने लगेगी। ये 100 तक पहुंचानी है हमें, ये कुछ पावरफुल थॉट्स से आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव थॉट्स से आगे बढ़ेगी, और बाकी तेजी से बढ़ेगी जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे ऑलमाइटी से। हम स्विच में लगा देते हैं ना, हमें ऑलमाइटी से अपने को कनेक्ट कर देना है, सर्वशक्तिवान से, तो उसकी शक्तियाँ हमें आने लगेंगी। कैसे आएंगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ राजयोग। इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राजयोग के अभ्यास में हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, हमें शांति दो, हे भगवान मर्सी अपॉन मी, हम ये नहीं कहते हम पे दया करो, रहम करो, हम ये नहीं कहते हमें सुख दो, हमारे दुख हरो, हमारी चिंताएं हर लो, हम हाथ नहीं जोड़ते उनके आगे। आप कहेंगे फिर क्या करते हो, यही तो अच्छी चीज़ें हैं, ये सब भक्ति है, हम बनते हैं उनके बच्चे। भगवान हमारा क्या लगता है, बोलो क्या लगता है, परम पिता। अभी आप मेरे साथ जस्ट फॉर 10 सेकेंड सोच के देखो, भगवान हमारा परम पिता है, इट मीन्स वो हमारा है। सोचो गहराई से, ही बिलोंग्स टू मी, वो हमारा है या नहीं, तो उसका सब कुछ तो मांगे क्यों, मांगना नहीं है तो कैसे गेन करना है। देखो विधि, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम विजुअलाइज करते हैं उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट। आपने कल यहाँ ज्ञान सरोवर में कोई सुंदर फूल देखा था, कोई ऐसा पौधा देखा था जो आपको बहुत भा गया था, अब यहाँ से आप उसे विजुअलाइज करो, एक सेकेंड में करेंगे ना,
यू आर कनेक्टेड टू दैट, और उससे जुड़ते ही आपके वाइब्रेशंस उसको जाने लगे, ये एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट हो गया। हरी घास क्यों अच्छी लगती है, क्यों डॉक्टर कहते हैं हरी घास पे घूमा करो आंखें भी ठीक हो जाएंगी सुबह सवेरे, क्यों हरियाली हमें भाती है, क्योंकि हरियाली से शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। वो हमें मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, यहां बैठे हुए आप अपने घर में किसी व्यक्ति को याद करो, एक सेकंड में अपने बच्चे को याद करो, आप उससे जुड़ गए, आपके सुखों के वाइब्रेशंस उसको पहुंचने लगे, यहाँ बहुत खुश हैं, आपकी खुशी की तरंगे उस तक पहुंचने लगी, आसमान में उगे हुए सूरज को विजुअलाइज करो, इधर है अब चढ़ गया ऊपर, विजुअलाइज करते ही आप उससे जुड़ गए, उसकी एनर्जी का फ्लो आपकी ओर हो जाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी दूसरे की ओर जाने लगेगी। ऐसे ही ऑलमाइटी को विजुअलाइज करो, सोल वर्ल्ड में ऊपर ऑलमाइटी पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं उसको दूसरा नाम देता हूँ सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आइंस्टाइन ने कहा था, क्यों कोई पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है सबसे ऊपर कहीं दूर, वहां से सबको एनर्जी मिल रही है, वो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी जब बिग बैंग थ्योरी हुई तब भी उन्होंने उसको गॉड पार्टिकल कहा, बिकॉज गॉड इज ए सटल पार्टिकल ऑफ एनर्जी। तो उसको विजुअलाइज करो, उसको विजुअलाइज करते ही हम उससे जुड़ गए और उसकी एनर्जी हमारे अंदर आने लगी, ये फाउंटेन की तरह उसकी एनर्जी हमारे ऊपर पड़ने लगती है, इसे राजयोग कहते हैं। बाकी जो यहाँ आपको अभ्यास करा रहे हैं, मैंने भी सवेरे कराया दो दिन, वो प्राइमरी अभ्यास हैं, लेकिन आप चलते फिरते अपने ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अभ्यास कर सकते हैं, ऑलमाइटी को देखा और उसकी एनर्जी आ रही है, उस पर कंसंट्रेट कर दिया, उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। इस तरह हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हम पावरफुल होंगे। और मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेंगे, जिस दिन हमारी एनर्जी 50 को पार कर जाएगी, 50% से हमारी बैटरी अब हो जाने लगेगी, हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, हमें कोई चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमसे फैलने वाले पावरफुल वाइब्रेशंस अनेक चीजों को नष्ट करेंगे, ये वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल चीज हैं। मैंने बहुत साल पहले, 45 साल हो गए होंगे, इससे भी ज्यादा, ईश्वरीय महावाक्यों में सुना था प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उत्तर था समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। वहीं से मैंने इस पे काम करना शुरू किया था, तब तो मैं छोटा था, 25 साल का होऊंगा, वहां से काम करना शुरू किया कि अगर कमजोर मन समस्याओं को पैदा करता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट भी तो करेगा। तो मैंने पावरफुल थॉट्स के द्वारा बहुतों को सिखाता भी रहा, मैं जो जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, पावरफुल थॉट्स के द्वारा समस्याओं को नष्ट होते देखा। और एक पहला एक्सपेरिमेंट किया, तब टेलीफोन नहीं होते थे, मोबाइल का तो जमाना ही नहीं था, लैंडलाइन होती थी, हमारा सब्जी का ट्रक आबू रोड से ऊपर चढ़ रहा था, रास्ते में खराब हो गया, अब ऐसा ही छोटा ग्रुप आया हुआ था, उधर पांडव भवन था, यहाँ नहीं थे, तो कोई आ रहे थे, उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई ट्रक तो रास्ते में खराब हो गया, मैसेज आया हमें सब्जी का ट्रक खराब हो गया, सब्जी आना तो मुश्किल होगी। अब देखिए पावर ऑफ थॉट का मैजिक, मिरेकल ऑफ थॉट्स। तो
अभी वहाँ कोई मैकेनिक तो नहीं, रास्ते में इंजन खराब हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आगे बढ़ नहीं रहा ट्रक। अभी हम तीन चार भाई थे अपने किचन में, हम सब ने मिलकर योग अभ्यास किया, वाइब्रेशंस फैलाए, वाइब्रेशंस उधर भेजे और संकल्प किया कि 15 मिनट में ट्रक ठीक होकर चलने लगे। और हमने देखा एक घंटे में वो ट्रक की सब्जी का ट्रक हमारे पास आ गया। मैंने उससे पूछा, ड्राइवर से, वो ड्राइवर मिलिट्री मैन था, रिटायर हो के हमारी गाड़ी चलाने आया था। मैंने पूछा, भाई कैसे ठीक हो गई? कहा, बस मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करता रहा, इधर उधर पेंच ऐंठता रहा, कोई लूज हो गया होगा, अचानक वो चल गया, आ गए हम यहाँ। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, आप इसको कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें, पर ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें समझ में आया कि पावरफुल थॉट्स, एनर्जी ऑफ थॉट्स कैन डू वंडर। मैं आप सबके सामने एक और सीक्रेट रखना चाहता हूं, आप इसको साथ ले जाएं अपने, वो ये है कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी जेनरेट होती है, हर संकल्प एनर्जी पैदा करता है। नेगेटिव संकल्प होंगे तो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव संकल्प होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी। आप इसे अपने फील्ड में, अपने परिवारों में, अपने संबंधों में, किसी बड़ी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, हमारा हर संकल्प एनर्जी जनरेट करता है। क्लियर है सभी को? यहाँ है आत्मा, माइंड भी इधर ही है, सूक्ष्म ब्रेन के द्वारा वो काम करता है। अब जो कुछ हम सोचेंगे, जो कुछ हम सोचेंगे उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, तरंगे फैलती हैं। एक सीक्रेट है, हमारे मन की तरंगें जब प्रकृति में पहुंचती हैं, यहाँ से निकलते ही हवा में पहुंच गई है, आकाश से मिलने लगी, पेड़ पौधों में आन जाने लगी, जल कण भी हैं उसमें मिलने लगी, तो प्रकृति से जब हमारी तरंगें मिलती हैं तो दोनों के बीच रिएक्शन होता रहता है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी वो जानते हैं दो एलिमेंट्स के बीच कैसे रिएक्शन होकर तीसरा बनता रहता है। तो प्रकृति और हमारी तरंगें वही चीज़ें निर्माण करके, कई गुना करके हमें वापस भेज देती हैं। मैं इसी बात को आपके सामने डिटेल में लेता हूँ। कई ऐसे लोग हमारे पास आए जिन्होंने कहा, हम तो 20-25 साल से बीमार हैं, एक बीमारी जाती है, दूसरी, दूसरी जाती है, तीसरी, और इस समय हमें 10 बीमारियां हैं, हम 25-30 गोली रोज खाते हैं। मैंने उनको कन्विंस किया कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो ये मान बैठे थे अब हम ठीक नहीं हो सकेंगे, और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाया। आंख खुलते ही, क्योंकि प्रकृति शांत होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, और सोने से पहले, तब भी हमारा मन साइलेंट हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड पुनः एक्टिव हो जाता है। तो 7 बार संकल्प कर देना, मैं निरोग हूँ, काम बन गया। 6 मास में उनकी सारी दवाई छूट गई। ऐसे हमारे पास 10 अच्छे अनुभव लोगों के हैं। मेरे पास बहुत सुंदर अनुभव जो मिरेकल ऑफ थॉट्स है, 4 ब्लाइंड माताओं की आंखें खुली। एक का तो अभी का केस है, रायगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में है, रायगढ़, शायद अब छत्तीसगढ़ है। अभी 4-5 दिन पहले ही मुझे फ़ोन आया, हम 3 मास पहले वहाँ गए थे, तो एक यंग लेडी जिसकी दोनों आंखें चली गई, वो जन्म से ब्लाइंड नहीं थी, दोनों आंखें चली गई, उसको उसका परिवार लाया और बातचीत हुई, हमने उसको कुछ चीज़ें बताई और
4-5 दिन पहले मुझे फोन आया, उसकी दोनों आंखें खुल गई हैं, वो अच्छी तरह देख सकती है, बिल्कुल अच्छा हो गया सब कुछ। संकल्प में बहुत ज्यादा शक्ति है। दूसरे प्रयोग हमने कराए गरीब लोगों से, अब उनके मन में ये समा जाता है हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे। मैंने उनके इस थॉट को हटवाया कि नहीं, सवेरे उठते ही और सोने से पहले 7-7 बार याद करना, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। जैसे प्रकृति सुन ले, आकाश सुने, चांद तारे सुने, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। और एक साल में ही उनकी गरीबी नष्ट हो गई, तेजी से ऊपर उठ गए। तो ये संकल्पों का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। फिर से आ जाए वहीं, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, इसलिए आप वैसे ही संकल्प करेंगे जैसा आप चाहते हैं। आपका किसी से संबंध बिगड़ गया, पति पत्नी के बीच में ही बिगड़ गया, मैंने 1000 प्रयोग कराए होंगे और लाखों लोगों ने किए हैं, इसके अलावा भी नेट पे देखकर, पति पत्नी के संबंध थोड़े झगड़ालू हो गए। अब पत्नी उठते ही पति को देखती है, कैसा पति मिला है, जीवन भर इसी के साथ बिताना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। अब बात बिगड़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है। मैंने उनके थॉट्स को चेंज कराया, सवेरे उठते ही सोचना ये बहुत अच्छी आत्मा है। सोच सकते हैं ऐसा, मुश्किल लगा उन्हें, कैसे सोचूं, अच्छा होता तो ये सब समस्या क्यों होती। मैंने कहा नहीं, अब जरा सोचना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है। कन्विंस किया उनको, उन्होंने सोचा और मुश्किल से 21 दिन लगे होंगे, संबंध स्वीट हो गए। कर सकते हैं आप जिसका भी गड़बड़ हो। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। अब एक फाइनल संकल्प आपको सुना देता हूं और वो आप सब कर लेना। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन तो सवेरे उठकर इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दो, 4-5 बार करके, सोते समय उठते समय, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए आपका, इसमें डबल माइंडेड ना हो आप, पता नहीं होगा या नहीं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। आप ट्रेन से आने वाले हैं, आपको देर हो रही है, आपको लग रहा है ट्रेन तो छूटी छूटी, आप थोड़े परेशान हैं, टेंशन में हैं, क्या करें, जाम लग गया है, मुश्किल हो गई है, कार आगे नहीं निकल रही, ट्रेन छूटेगी। आप संकल्प करो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब आप स्टेशन पहुंचेंगे तो पता चलेगा ट्रेन बहुत देर से आउटर पर खड़ी है, क्यों खड़ी है आपको समझ में नहीं आया, कोई VIP आने वाला है, हो सकता है वो VIP आप ही हों। बहुत अच्छे अनुभव आपको होंगे। बच्चा बीमार हो गया है, परेशान ना हो आप, यही संकल्प करना। और इसका चमत्कार देखना। परंतु इस संकल्प के साथ अगर आप एक संकल्प और कर दें, वो संकल्प बहुत प्रचलित हुआ है संसार में, आपको भी, जिनको नहीं पता आज मैं बता दूं, उसके बहुत अच्छे मिरेकल्स हुए हैं। और वो है, हम ऑलमाइटी की संतान हैं, भगवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर पावरफुल। टाइगर का बच्चा क्या होगा, बोलो बोलो जरा, टाइगर का बच्चा और सर्वशक्तिमान के बच्चे पावरफुल होंगे ना, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उनकी शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। इसके लिए शब्द है, ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी। बच्चा उसका मास्टर, सभी शक्तियों पर मास्टरी है मेरी, मैं मास्टर हूँ शक्तियों का। आप
और कुछ आपको समझ में ना आए, आपके जीवन में बहुत समस्याएं आ गई हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उठते 21 टाइम याद कर लेना, कुछ ही दिनों में समस्याएं लोप होने लगेंगी। मैं दो एक्सपीरियंस सुनाता हूँ आपको इस संकल्प के। ऐसे 5 केस आए जिनके बहुत अच्छे अनुभव हैं, जिनका कोई व्यक्ति गुम हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बेंगलोर की एक माता ने मुझे बताया, मैं बेंगलोर में प्रोग्राम के लिए गया था, कि मेरा लड़का 5 साल से घर छोड़ के चला गया है। क्यों चला गया? कहा मेरी और उसकी लड़ाई हो गई थी, मैंने ही उसे कह दिया था निकल जा घर से, वो निकल गया बेचारा, कई बार सुन के निकल गया। अभी मैं रोती रहती हूँ, मेरा बच्चा गुस्से में कह देना तो सहज है। 5 साल हो गए कोई कांटेक्ट नहीं है, बेचारी रो रही थी। 2 साल से इसलिए हमारे सेंटर पे आने लगी बेंगलोर में। क्या करूं? मैंने उसको एक सिंपल सजेशन दिया, मेडिटेशन तो उससे होता नहीं था, मन बहुत विचलित था, दुखी था। मैंने उसे कहा शाम को एक टाइम फिक्स करो, 7 बजे, 7:30 बजे, 6 बजे, और शांति में बैठ के लिखना 108 टाइम मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियाँ जनरेट होंगी मुझे पता था। और जब लिख लो तो अपने बच्चे को सामने देखकर बुलाना, आ जाओ बेटा मैं तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। 21 दिन लिखा मैंने, 21 दिन ही कहा था, और 21वें ही दिन रात को फोन आया, घंटी बजी, लड़के की ही आवाज़ थी। माता में थ्रिलिंग हो गई, कहा मम्मी मैं हैदराबाद में हूँ, कल सवेरे की फ्लाइट से आ रहा हूँ आपके पास, आपकी कई दिन से बहुत याद आ रही है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, लड़ाई पूरी हो गई। और अगले दिन दोपहर तक उसके पास आ गया। 5 ऐसे केस बहुत अच्छे हल हुए, जिन किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का कोई संबंधी चले गए थे, ऐसे कई गुम हो गए थे, वापिस आ गए। ये संकल्प का मैजिक है। मेरे पास, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैं छोटा मोटा इलाज लोगों का कर लेता हूँ, तो मुझे भी लोग डॉक्टर समझने लगे हैं। तो विशेष रूप से डिप्रेशन वाले, जिनको नींद नहीं आती, ऐसे 2 केसेस मेरे पास बहुत आते रहते हैं। आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है, ज़्यादा सोचने की आदत, बिना मतलब परेशान रहने की आदत, किसी को डर लगता है, कोई पूरे ही डिप्रेशन में आ गए हैं। और किसी का ऐसा हो गया 7 साल से सोए नहीं, 11 साल से सोए नहीं। मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, मैं एड्रेस सहित बता सकता हूँ आपको। करनाल की एक फैमिली हमारे यहाँ आश्रम में आती, करनाल में यहाँ भी आई, तो मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे 11 साल से डिप्रेशन है, मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, दोनों ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा माहौल रहता है जैसे मैं एक डेड बॉडी हूँ उनके परिवार में, बस मैं जिंदी हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको 3 चीज़ें सिखा दी। मैंने कहा कुछ हिम्मत करो, अब बेड से उठा करो, थोड़ा कामकाज किया करो, लेटे न रहो, परिवार से मिले जुलो, धीरे धीरे खाना बनाने लगो। सवेरे उठते ही जब भी तुम उठो 108 टाइम लिखना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सोने से पहले रात को लिखना मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान के बच्चे हैं, वी आर ग्रेट, महान आत्माएं हैं। ये 2 चीज़ें लिखने को कहा, मैंने उसको तैयार किया, लिखना शुरू कर दो आज से। जब वो मेरे से बात कर रही थी, मैंने कहा अभी लिखो, हिम्मत करके लिखो, तुम बोर होंगी लिखने में। उसके पति को मैंने कह दिया इसके साथ बैठना और इससे लिखवाना, उसको तैयार किया, रुचि पैदा की कि इससे तुम ठीक हो जाओगी। और दूसरी चीज़ थी क्षमा याचना करना,
ये एक बहुत सुंदर चीज है, मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, कहना ही नहीं चाहता, सिखाना चाहता हूँ। सीखेंगे? मान लो अब से 1000 साल पहले आप एक राजा थे, आपने कोई गलत निर्णय दे दिया, आपकी कोई गलत नीति थी, 1000 लोग कष्ट पाने लगे, आपको बददुआएं दी 1000ों ने, अब आप पुनर्जन्म लेते लेते यहां आ गए हैं, वो 1000 लोगों की बददुआएं आपका पीछा अभी भी कर रही हैं, उससे आप छूटे नहीं हैं, इसलिए अगर उनसे क्षमा याचना कर ली जाए, भाई मैंने अज्ञानवश, हमें पता नहीं वो कौन हम कौन थे, मैंने अज्ञानवश आपको जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप सुखी हो जाओ, आप मुझे क्षमादान दो, आप खुश रहो, आपका परिवार सुखी हो, थोड़ी दुआएं दे दो। आप पहले दिन से देखेंगे सिर से एक बोझ उतरने लगा आपके, आप सब कर सकते हैं, केवल 7 दिन सिर से एक बोझ उतरने लगा, आपकी बुद्धि क्लियर होने लगी, कोई प्रेशर जो काम कर रहा था वो हट गया, आपकी समस्याएं हटने लगी, आपके विघ्न टलने लगे, ये आपको दिखाई देगा। तो उस बहन को भी मैंने ये सिखा दिया कि तुम्हें 7 दिन केवल क्षमा याचना करनी है। तो उसने 21 दिन सब कुछ लिखा, क्षमा याचना की, और मैं वहीं गया था करनाल में, प्रोग्राम था, वो परिवार मेरे से मिलने आया, 21 दिन पूरे हो गए थे शायद, 25वां दिन था, उन्होंने मुझे कहा हमारे घर में पुनः खुशहाली आ गई है, अच्छा बिजनेस घर में, दोनों बच्चों ने MBA किया, वो अच्छे ऑफिसर बन गए हैं। तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट है हमारे संकल्पों का, जब हम लिखते हैं तो एनर्जी यहाँ से ब्रेन को जाती है, और ब्रेन में जो कुछ डैमेज हुआ है वो उसको रिपेयर करती है। मैं तो ये सब चीज़ें डॉक्टरों की सभा में बताई हैं, हमारे यहाँ नीचे पिछले साल 3000 डॉक्टर एक साथ थे, मुझे 1.5 घंटे का क्लास दिया गया, और मैंने जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए वो सबके सामने रखे ताकि वो इसको अप्रूव कर सके। मैंने कहा भाई अगर आप इससे सहमत हो तो सभी हाथ उठाओ, सभी ने हाथ उठाया, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये चीज़ें अडॉप्ट कर ली अपनी प्रैक्टिस में, और उनको बहुत गुड रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हम सभी अपने संकल्पों को सुंदर करें, आप ये समझ लें जो आप सोचेंगे उसकी एनर्जी ब्रेन को जाएगी। आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं ना ये बिगड़ गया है, आपकी निगेटिव एनर्जी उसको जा रही है, आपने कहीं गुस्से में सोच लिया ये अब सुधरेगा नहीं, बहुत बैड एनर्जी बच्चे को जाने लगी, इसलिए बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आपको दूसरों को देने हैं। बस ये टॉपिक यहीं मैं समाप्त करता हूँ। 3 बातें आप लोगों के समक्ष हैं जो आप साथ ले जाएंगे यहाँ से, परिवार में शांति, खुशी और प्रेम का माहौल बनाना है, जहाँ आप जॉब में हैं वहाँ भी, जो आपकी टीम है वहाँ भी, शांति के लिए बड़ी बात को छोटा करना। हमने ईश्वरीय महावाक्यों से एक बहुत सुंदर बात सीख ली, मैंने सीखी, बहुत काम आई, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। पावरफुल बातें नहीं हैं, पावरफुल तुम हो। ले ले आप अपने अंदर इस विचार को, हम ज़्यादा सोच कर बातों को बड़ा कर देते हैं, छोटा करें, शांति रहेगी अपने अंदर भी, परिवार टीम में भी। दूसरी बात, होल्डिंग नेचर नहीं। कई लोगों को आदत होती है हर बात दिमाग में रख लेना, छोड़ना ही नहीं। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये छोटा सा गिलास है, इसमें बहुत थोड़ा पानी बचा है, 50 ml।
अगर किसी को कहा जाए इस गिलास को ऐसे पकड़े रहो आधा घंटा, कोई पकड़ सकेगा? आधे घंटे में ये हाथ कांपने लगेगा, हिलने लगेगा, बुरा हाल हो जाएगा। एक छोटा सा वजन हम 15-20 मिनट नहीं संभाल सकते, और हमने अपने दिमाग में दुनिया भर की बातें होल्ड की हैं, तो इधर क्या हो रहा होगा? जस्ट थिंक, बहुत कुछ डैमेज कर रहा है। अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पास्ट को फुल स्टॉप लगाता चले। पास्ट इज पास्ट, पूरा हो गया, नो वन कैन चेंज द पास्ट। या है किसी में शक्ति कि पास्ट को कोई बदल दे? आज सवेरे जो कुछ हो गया, कोई खराब चीज हो गई, उसको कोई बदल सकता है? फॉरगेट इट। ये शक्ति हमें अपने अंदर रखनी है। तो होल्डिंग नेचर नहीं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। और तीसरी चीज, परिवारों में प्रेम पैदा करना है तो एक दूसरे को एप्रिशिएट करेंगे, एनकरेज करें। गलती किसी से भी हो सकती है, एनकरेज करो। इसके लिए मैं लास्टली एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, 2 मिनट की, आप एन्जॉय भी करेंगे और कहानी आपको याद भी रहेगी। लड़की की शादी हुई, लड़की पढ़ी लिखी थी, हाई फाई भी थी। देखा सास तो मेरे से भी हाई फाई है, तो सोचा इसके साथ तो रहना बड़ा कठिन काम हो जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाए। 3 मास हुए थे, अपने अंकिल के पास पहुंची कि अंकिल सास बहुत तेज है। वो ये भूल गई कि मैं भी तेज हूँ, इसको ख़त्म करना है, इसलिए मुझे पॉइजन की पुड़िया चाहिए। अब अंकिल ने समझाया, पॉइजन दे के मारोगी तुम भी मरोगी, वो तो मरेगी तुम भी मरोगी, इसलिए पॉइजन नहीं, मैं तुम्हें एक स्लो पॉइजन देता हूँ, चुटकी भर भोजन में डाल रहा, तुम्हारी सास 6 मास में मरेगी, तुम पे शक भी नहीं होगा, तुम बची रहेगी और मुक्त भी हो जाओगी। लेकिन शर्त है एक, रोज तुम्हें उसे एप्रिशिएट करना होगा, महिमा करनी पड़ेगी उसकी। उसने कहा इसमें क्या जाता है मेरा, रोज महिमा करूँगी। स्लो पॉइजन लेके पहुँच गई, भोजन में थोड़ा सा डाला और जाते ही, अभी इस बहू आई है तो लोग मिलने आएंगे, सबको महिमा की, मेरी सास वो तो मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार देती है, मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ, ऐसी सास तो सबको मिले, मैं तो बहुत सुखी हो गई हूँ, मेरी सास तो सवेरे चाय भी मुझे उठा के पिलाती है। अब 3 दिन सास ने देखा बहू घर गई थी, बदला ही क्या हो गया, उसने भी महिमा शुरू कर दी, मेरी बहू तो लक्ष्मी है, हमारे घर में तो देवी आ गई, जब से ये आई है आनंद ही आनंद छा गया है, मुझे कुछ नहीं करने देती है, सारी काम यही कर लेती है। अब दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। 3 मास हो गए, अब लड़की ने देखा सास तो सुधर गई, फिर अंकिल के पास पहुंची भागी भागी कि मैं सास को मारना नहीं चाहती। क्यों? वो तो बहुत अच्छी हो गई है, वो अपने जहर की पुड़िया दी थी, क्या था, वो तो एकदम अच्छी हो गई। अब मैंने 3 मास जहर खिलाया पिलाया उसको, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने की दवाई चाहिए। अब अंकिल हंसने लगे, कहा पगली, वो जहर नहीं था, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो तो मैंने तुम्हें राख दी थी, जाओ सुखी रहो। एप्रिशिएट करने से प्यार बढ़ गया ना, बस यही बात है। हम एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, जरा सी गलती हो गई तो उसको साउट करते हैं, कई गड़बड़ होती है, इससे बचेंगे तो घरों में, टीम पे शांति, खुशी, प्रेम की गंगा बहने लगेगी। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। अब 3 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, 3 मिनट बचे हमारे पास 9:30 में, और सभी ऐसा ही करेंगे कि ऑल माइटी की एनर्जी मुझ में समा रही, जैसे ऊपर से फाउंटेन पड़ रहा है शक्तियों का मेरे ऊपर।